अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज की कहानी का नाम है जैसा करोगे वैसा भरोगे और ये कहानी है एक टर्टल और बिच्छू के बारे में। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक कछुआ और बिच्छू रहते थे। दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। वो सारा दिन इकट्ठे रहते और खूब सैर किया करते थे। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी। जंगल के सारे जानवर उसी नदी से पानी पिया करते थे। एक दिन कछुए और बिच्छू ने नदी के पास जाकर उसका सैर करने का प्रोग्राम बनाया। बिच्छू क्योंकि तैर नहीं सकता था, इसलिए वो बहुत खुश था और खुशी से वो उछलकर कछुए की पीठ पर सवार हो गया। बिच्छू को पहली मर्तबा सैर करने का मौका मिला था, इसलिए वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। जब वो दोनों नदी के दरमियान में पहुंचे तो कछुए को खटखट की आवाज सुनाई दी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे बिच्छू किसी चीज से इसकी पीठ पर जड़ी लगा रहा हो। कछुआ कुछ देर आवाजों पे गौर करता है, मगर जब उसे समझ में नहीं आया तो उसने बिच्छू से पूछा, बिच्छू भाई ये कैसी आवाज है? बिच्छू बोला, फिक्र नहीं करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी पीठ पर जरा सा डंक मारा हूँ। कछुआ हैरान हो गया और कहा कि हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बिच्छू ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या करूं दोस्त, डंग मारना मेरी आदत है। कछुए को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा, बिच्छू मुखलिस दोस्त नहीं है, मैं इससे भलाई कर रहा हूं और ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए अब जरूरी है कि इस एहसान फरामोश को सबक सिखाया जाए। ये फैसला करते ही कछुए ने पानी में गोता लगा दिया और बिच्छू बिटाया डूब जाने के खौफ से चीख के बोला, तुम क्या कर रही हो मेरे दोस्त, इस तरह तो नदी में डूब कर मैं मर जाऊंगा। कछुआ भी बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, दरअसल मैं भी अपनी फितरत के हाथों मजबूर हूँ, पानी में गोता लगाना मेरी भी तो आदत है। ये कहकर बिच्छू कछुए ने एक लंबा गोता लगाया और बिच्छू नदी के गहरे पानी में डूब गया। इस तरह बिच्छू को अपने किए की सजा मिल गई। तो बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।